कैसे हो आप सभी? कैसे आप सभी? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हेलो फ्रेंड्स, ये आज मैं मक्के का आटा मार्केट से लेकर के आई हूँ। आज मैं मक्के की रोटी गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी। ये मेरी गोभी आलू की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो अब इसके बाद मैंने इसमें धनिया डाल करके और इसे चला लिया है। और यहाँ अब मैं आटा लगाऊंगी। आशीष भी पास में ही खड़ी है, वो खेल रही है। और सबसे पहले मैं मक्के के आटे को छान लूँगी। तो यहाँ मैं मक्के का आटा ले रही हूँ। जितना आटा आप रोटियाँ यूज़ करें उतना ही आटा लगाएं। इसके लिए खट्टा आटा नहीं लगाया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ही लगाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ छान रही हूँ, फिर किस तरीके से आटा लगाऊँगी आप ये देखिएगा। ये मेरा आटा छन करके तैयार हो गया है। अब मैं पानी लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे गूंथना शुरू करूँगी। आप गूंथने का थोड़ा सा स्टाइल देखना कि किस तरीके से, ये साधारण आटे की तरह नहीं गूंथता है, थोड़ा अलग तरीके से गूंथा जाता है। तो इस तरीके से मुझे जितनी रोटियां बनानी थी उतना ही मैंने आटा गूंथा है। पहले से इकट्ठा आटा नहीं गूंथा जाता है। जब मेरा आटा ये खूब अच्छे से गूंथ जाता है, उसके बाद में मैं थोड़ी सी, जितनी बड़ी मुझे रोटी बनानी है उतनी बड़ी इसमें से एक लोई मैं ले लूँगी। और देखिए, अब मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। ये मैं अच्छे से इसे गूंथ रही हूँ। जैसे चिकना हो जाता है तो अच्छी बनती है, आटा अच्छा निकला है। कभी कभी मिलावट होती है तो अच्छा आटा नहीं, रोटियाँ बनने में परेशानी होती है। इस तरीके से धीरे धीरे करके मैंने थोड़ी बढ़ा लिया रोटी को, दोनों हाथों की सहायता से धीरे धीरे करके यहाँ मैं रोटी मैंने डाल दी है। और क्योंकि गैस है, चूल्हे पर अच्छी पच जाती है, तो गैस पर भी आप थोड़ा सा टाइम लगता है, पर फिर भी अच्छी की गोभी आलू की सब्ज़ी, ये बूंदी का रायता और ये मेरी रोटी अच्छे से पच गई है। उसके बाद मैंने इसे सेकना शुरू कर दिया है। ये मेरी यहाँ ये रोटी फूल गई है। और उसके बाद में मैं इसे घी लगा करके सर्व करूँगी। सर्दियों में मक्के बाजरे की रोटी बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। ये घर का बना हुआ देसी घी है, उससे मैं अपनी रोटी को चिपड़ रही हूँ।